Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. Today I have this video for Leo zodiac sign, जिनकी राशि लियो है. सिंह राशि के जातकों का 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा ये मैं अपने कार्ड के थ्रू देखना चाहूँगी. 1 जून से 15 जून तक का समय सिंह राशि के जातकों के लिए. मेरे आसपास जो कुछ दिवाल एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिंह राशि यानी कि लियो जिनका जोडिक साइन है, उनका 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी करियर, ये सब कुछ मैं देखना चाहूँगी. सिंह राशि के जातकों का क्या मैसेज है ताकि वो प्रिकॉशन ले सकें, 15 डेज ठीक से अपने कवर अप कर सकें. यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है सिंह राशि के, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त आपके पास कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत बनते हैं, लेकिन आपका पैसा भी खर्च होगा. आपको पता नहीं चल पाएगा कि मेरा पैसा कहाँ चला गया और आप उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे कि खर्चा कहाँ हो जा रहा है. तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा. सेविंग इस वक्त ज़रूरी है आपके लिए. हो सकता है आप ना देख पाएँ, आपको अनजाने में आपके पैसे जो हैं कहीं इधर उधर खर्च हो सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि देख के अच्छे से डिसीजन लेके तभी अपने पैसे खर्च करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा बजट डगमगा सकता है. आप केवल ये देखेंगे कि इनकम कहाँ से आ रही है मेरी, लेकिन खर्च भी आप उतना ही कर देंगे. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सैलरी अगर आपको अगर मिल रही है या सैलरी जो भी है उसको अभी सेव करके चलिए. अभी समय भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सेकेंड कार्ड जो है वो आपका बहुत परेशानी वाला आया हुआ है. वरीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, चिंताएँ दिमाग बहुत ज़्यादा रहेंगी पैसे को लेकर, ख़ासतौर से आपके जो रिलेशनशिप में आप में जो हस्बैंड वाइफ हैं या लव मेट, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हैं, जो भी आपके जो लवर्स हैं, जो आपके अपने हैं, यहाँ ये दिखा रहा है कि बहुत चिंता रहेगी कि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे जो हूँ घर में अच्छा करूँ या करूँ. तो अगर आप फीमेल हैं, घर को संभालती हैं, सेम चीज़ आपके लिए भी है कि घर को थोड़ा सा मैनेज करके चले. ख़ासतौर से मैं बजट का कह रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आपके मनी का आया हुआ है, दैट मीन्स मनी आपका खर्चा होगा. तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पैसे वहीं लगाइए जहाँ ज़रूरत है. और जो थर्ड कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको इस वक्त अपने लव मेट से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. आपको अपने लवर से पूरा जो है सपोर्ट मिलने के साथ साथ, हो सकता है कि कहीं जैसे होता है ना कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं काम देना, जैसे होता है ना घर में आप भले ही हाउस वाइफ है लेकिन हस्बैंड का पूरा साथ देना, या अगर आप खुद एक मेल हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिले. अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके जो भी आपके करीब में आपके जो भी आपके करीबी आपके जो मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता या आपकी माँ हो सकती है, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको अपने लवर से. तो ध्यान रखिएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कोई बहुत अच्छा दोस्त हो तो उससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाए. आपस में प्रेम बढ़ने का यहाँ दिखा रहा है. यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए कोई आप बंधे से महसूस कर सकते हैं. दैट मीन्स कि कोई डिसीजन लेना है या कोई काम नहीं पूरा हो पाएगा तो आप समझेंगे कि मुझे सब चीज़ों से जकड़ा जा रहा है. जैसे कि वो ऐसे होता है ना कि अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाना, अपनी इच्छाओं की पूरी आप शायद ना कर पाए, अपनी हॉबीज़ या क्रिएटिविटी कुछ भी दिखाना जो चाह रहे हों, हो सकता है कि डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो. तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है. आप जो पुराने झगड़े चले आ रहे थे उसको जो है वो सॉल्व करने की इस वक्त कोशिश करेंगे. धीमे धीमे उसको जो है जैसे होता है ना कि कोई पुराने इशू हो गया किसी रिश्तेदार के साथ या ऑफिस में कलीग में के साथ, तो उसको आप खुद ही फिनिश कर देंगे और खुद ही कहेंगे कि अरे छोड़ो चलो उसको यहीं पर फिनिश करते हैं. तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है. पिता समान व्यक्ति से आपका जो है विवाद हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा कि शांत रहिए. अपने बड़े जो पिता समान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई या कोई भी है, तो उसको बहुत ही रेस्पेक्ट देके बात करिएगा. उतना ही बात करिएगा जितना ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ इशू दिखा रहा है. आपके बॉस से भी हो सकता है, आपके जो ऑफिस में जो भी बड़ा आपसे सीनियर कोई जाना है उससे झगड़ा हो सकता है, इशूज़ हो सकते हैं, किसी बात को लेके विवाद हो सकता है. बहुत तेज़ झगड़ा तो नहीं दिखा रहा लेकिन विवाद हो सकता है. तो ये चीज़ दिखा रहा है. घर में भी अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड या अपने आपके जो फादर इन लॉ हैं, आपके फादर हैं या आपके जो बड़े भाई हैं, उनसे प्लीज़ थोड़ा सा कम ही बात करिएगा. बहुत ज़्यादा अपनी एक्सप्लोर मत कर दीजिएगा. हो सकता है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए गलत समझें और विवाद हो जाए. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सिंह राशि के जितने जातक हैं
अब इस वक्त मैं आपका लव मेट का रिलेशनशिप देख लेती हूँ, किस तरह का रहेगा आपका लव मेट के साथ रिलेशनशिप और आपको क्या करना चाहिए अपने रिश्ते और अच्छे बनाने के लिए, मैं ये इन कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी सिंह राशि के जातकों के लिए। मैं यहाँ पे फोर कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, अगर मैंने फर्स्ट कार्ड जो निकाला था इस वक्त, ये मैसेज है कि इस वक्त आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग अपनी अंदर की जो आवाज़ होती है उसको हम छोड़ देते हैं और करने कुछ और लगते हैं, तो दिमाग कुछ कह रहा होता है और अंदर की आत्मा जो होती है कुछ और कह रही होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो आसानी से भाप लेते हैं चीज़ों को कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है कौन सी बुरी। तो ये चीज़ यहाँ पे मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आप इस वक्त अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने। जो भी डिसीजन आप लेंगे, फैसले लेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उसमें आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी सोल को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और सेकेंड जो कार्ड है वो आया है, वो कार्ड एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि कोई जना आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत, जैसे आपके लाइफ पार्टनर हो गए, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो गई, या कोई भी आपके माता पिता हो गए घर में, जो बहुत सपोर्टिव इंसान है, या ऑफिस में कलीग में कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जो आपको बहुत इस वक्त सपोर्ट देगा, इस वक्त उसको रेस्पेक्ट दीजिएगा। ये नहीं कि इससे हेल्प ले ली और बाद में फिर वो आपने उसके साथ ठीक से बातचीत नहीं करी, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, फिर वही जना फिर आपको आगे जाके सपोर्ट नहीं करेगा, ये कार्ड ही मैसेज कर रहा है। और ये यहाँ पे थर्ड जो कार्ड है वही बता रहा है कि आपको इस वक्त अपनी माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, किसी माता, जैसे होता है ना कि माँ समान, जैसे मान लीजिए आपकी जो, अगर आपकी माँ नहीं है तो कोई भी बड़ा कोई जना, कोई घर में कोई ऐसी फीमेल जो कि आपकी जैसे चाची हो गई या मामी, कोई भी, या कोई आपकी बड़ी दीदी हो गई, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। रिश्ते अच्छे सुधारने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करें तो अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद लीजिए। और एक जैसे होता है ना कि अपनी लाइफ में आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं, तो अपने पर्सनल लाइफ में लव मेट के साथ भी अगर आपको अच्छे अगर रिश्ते बनाने हैं तो बुज़ुर्गों का हमें आशीर्वाद ज़रूरी है। यहाँ यही यहाँ पे कह रहा है कार्ड्स कि इस वक्त आप अपने जो फीमेल, जो बड़ी, जो आपके घर में हैं, उनको रेस्पेक्ट दीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपके साथ जो है लव मेट के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके वाइफ के साथ भी। यहाँ ये बता रहा है कि पुराने रिश्ते जो अभी तक आपके जो पुराने रिश्तों में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखा है, नेगेटिव रखा, उन सबको आप इस वक्त देखेंगे, देखिएगा उसको, और तब देख परख के तब जा कर के अपने अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ जो है वो अच्छे से संबंध बना करके अच्छे से उसके साथ लाइफ व्यतीत करिए। क्योंकि यहाँ ये पास्ट को दिखा रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको अभी तक, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है, दोनों एक साथ मिल बैठ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, पुरानी चीज़ों को उजागर करिए, और उसमें जो भी आपको झगड़ा मत कर बैठिएगा, बस यहाँ यही आपको ध्यान रखना है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है रिश्ते अच्छे से सुधारने के लिए। और यहाँ ये भी कार्ड मैसेज करता है कि जो भी आपको अपने लव मेट के साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में, वो आपको इस वक्त हो सकता है दिखे और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। ये नहीं कि कुछ भी जो है वो आपने कुछ भी आके बोल दिया गुस्से में आकर के, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके यहाँ पे चिंताएं बहुत दिखा रहा है, वरीस होंगी आपके दिमाग में, लेकिन उसको रिएक्ट मत कर दीजिएगा अपने रिश्ते में। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।